दोस्तों आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वंस मेडियर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इंदिरा गांधी सेंटर फॉर ऑटोमेटिक रिसर्च के अंदर पैरामेडिकल की बहुत सारी वैकेंसीज आई है, तो इनमें क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, फॉर्म डेट क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सभी के बारे में अपन बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखना हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों ये जो वैकेंसी है वो परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो दोस्तों जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1 जून से स्टार्ट हो चुके हैं और फॉर्म की लास्ट डेट है वो 30 जून रहने वाली है। तो जो भी साथी फॉर्म अप्लाई करना चाहता है वो 30 जून से पहले पहले फॉर्म अप्लाई कर देना है। फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। फॉर्म का लिंक है वह आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। दोस्तों ये ग्रुप वाइज बता रहे कि ये एक ग्रुप की पोस्ट है, बी ग्रुप की पोस्ट है, सी की पोस्ट है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर पोस्ट कोड दे रखा है, यहाँ पर पोस्ट नेम दे रखा है, यहाँ पर लेवल पे मैट्रिक्स बता रखा है, यहाँ पर आपकी सैलरी बता रखी है, प्रारंभ के अंदर आपको इतनी सैलरी मिलेगी, यहाँ पर वैकेंसी बता रखी है, यहाँ पर कितनी क्या पोस्ट रहने वाली है, और यहाँ पर आपकी मेजिम एजिलिटी यहाँ पर बता रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ग्रुप बी की वैकेंसी के अंदर अपनी वैकेंसी रहने वाली है। तो सबसे पहले पोस्ट कोड आप यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले जो पोस्ट है वो यहाँ पर नर्स के लिए रहने वाली है, मतलब नर्सिंग ऑफिसर के लिए वैकेंसी रहने वाली है। पे लेवल 7 रहने वाला है। जो आपकी सैलरी है वह दोस्तों 44,900 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर शुरू के अंदर ये सैलरी आपको मिलेगी। टोटल यहाँ पर 27 पोस्ट आपकी रहने वाली है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 30 ईयर दे रखी है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपने लैब टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। ग्रुप बी की वैकेंसी है, यही यहाँ पर पोस्ट कोड दे रखा है, ठीक है। और आपकी जो वैकेंसी नेम है वो यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट या बी पैथोलॉजी में यहाँ पर दे रखी है, मतलब जो लैब टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट उनके लिए वैकेंसी रहने वाली है। पे लेवल 6 रहने वाला है। जो आपकी प्रारंभ में सैलरी वो 35,400 रुपये रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 6 पोस्ट रहने वाले हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपने जो रेडियोग्राफर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए रहने वाली है, ठीक है। पोस्ट कोड दे रखा है यहाँ पर SAB02, साइंटिफिक असिस्टेंट या बी रेडियोग्राफी, मतलब जो रेडियोग्राफर वाले हैं स्टूडेंट उनके लिए वैकेंसी रहने वाली है। पे लेवल 6 रहने वाला है। जो आपकी सैलरी और 35,400 रुपये रहने वाले हैं। इसके अंदर टोटल 1 पोस्ट आपकी रहने वाली है। अपर एज लिमिट है वो 30 ईयर यहाँ पर दे रखी है। इसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट के लिए रहने वाले, पोस्ट नेम ये दे रखा है। तो पे लेवल के बारे में बात करें तो लेवल 6 यहाँ पर रहने वाला, जो आपकी सैलरी वो 35,400 रुपये पर मंथ रहने वाली है, ठीक है। तो टोटल 4 पोस्ट है। अपर एज लिमिट 30 ईयर यहाँ पर दे रखी है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी फार्मासिस्ट के लिए रहने वाली है। ग्रुप सी की वैकेंसी रहने वाली है। पे लेवल 5 रहने वाला। जो आपकी सैलरी है वो दोस्तों 29,200 रुपये रहने वाली है पर मंथ। टोटल यहाँ पर 14 पोस्ट रहने वाली है। जो अपर एज लिमिट 25 ईयर यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। टोटल यहाँ पर अपन बात करें पे लेवल 3 रहने वाला है। जो आपकी सैलरी वो 21,700 रुपये रहने वाली है। जो आपकी पोस्ट है टोटल यहाँ पर 1 पोस्ट रहने वाली है। जो अपर एज लिमिट 25 ईयर यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर ये पोस्ट कोड दे रखा है TNB01। इसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी TNB02 पोस्ट कोड दे रखा है। ECG टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 1 पोस्ट रहने वाली है, ठीक है। जो आपकी सैलरी वो 21,700 रुपये पर मंथ रहने वाली है, ठीक है। अपर एज लिमिट 25 ईयर यहाँ पर दे रखी है। इसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी ग्रुप सी की रहने वाली है TNB03, ठीक है। यहाँ पर पोस्ट कोड दे रखा है। पोस्ट नेम के बारे में बात करें तो कार्डियो सोनोग्राफी टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। पे लेवल यहाँ पर 3 दे रखा है। 21,700 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। टोटल 1 पोस्ट रहने वाली है। अपर एज लिमिट 25 ईयर यहाँ पर दे रखी है। तो यहाँ पर टोटल 91 पदों पर ये वैकेंसी होने वाली है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ग्रुप बी के अंदर अपनी वैकेंसी आई है और ग्रुप सी के अंदर अपनी वैकेंसी आई है, ठीक है। इसके बाद में एक यहाँ पर भी जो वैकेंसी है ना वो यहाँ पर फिजियोथेरेपी के लिए भी रहने वाली है। तो पोस्ट कोड यहाँ पर दे रखा है TOB01। टोटल यहाँ पर 1 पोस्ट रहने वाली है। OBC में वैकेंसी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात करें तो फिजियोथेरेपी के अंदर आपके पास में PG में डिग्री होनी चाहिए और मैक्सिमम 50% आपके बढ़ने चाहिए, ठीक है। मतलब कुल मिला के इन्होंने बता दिया है कि जो 12th है वो पास होनी चाहिए एंड BBT आपने कर रखी है, प्लस 2 या 3 साल में आपने MPT कर रखी है ना, तो आप यहाँ फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं।
अपर एज लिमिट यहाँ पर बात करें तो मिनिमम एज यहाँ पर 18 दे रखी है और मैक्सिमम यहाँ पर 30 ईयर दे रखी है। जो आपकी सैलरी वो 47,600 रुपये पर मंथ आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पर बहुत अच्छी सैलरी है रहने वाली, प्लस आपको जो भी जो HR है वो वगैरह यहाँ पर आपको दिया जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग सैलरी है ये इतनी। तो इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर स्टाफ नर्स के लिए, ठीक है। टोटल यहाँ पर 27 पोस्ट आपके रहने वाली है, जिनमें अपन बात करें जनरल में 10 पोस्ट है, OBC में 7 है, SC में 4, ST में 2 है, EWS में 4 पोस्ट यहाँ पर आपकी रहने वाली है। ये पोस्ट कोड दे रखा है NUR01, ठीक है। क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात करें दोस्तों, यदि आपने BSc नर्सिंग कर रखी है तो आप यहाँ फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपने 12th पास कर रखी है और आपने GNM नर्सिंग कर रखी है तो भी आप यहाँ फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। साथ में दोस्तों जो स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग है या सेंट्रल नर्सिंग काउंसिलिंग, उसमें आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कुल मिला के मैं आपको बताऊँ तो यदि आपने BSc नर्सिंग कर रखी है प्लस या फिर आपने GNM नर्सिंग कर रखी है और आपके पास में रजिस्ट्रेशन है नर्सिंग काउंसिलिंग के अंदर, किसी भी नर्सिंग काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन है, तो आप यहाँ फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आपने नर्सिंग के अंदर तो कोई भी सर्टिफिकेट रखा है और आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जिन साथियों ने BSc नर्सिंग कर रखी है और जिन साथियों ने GNM नर्सिंग कर रखी है वो बिना एक्सपीरियंस के यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उनको यहाँ पर किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। जिन साथियों ने सर्टिफिकेट ले रखा है नर्सिंग का, उनके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो एज लिमिट है वो यहाँ पर मिनिमम एज में 18 ईयर दे रखी है और मैक्सिमम 30 ईयर यहाँ पर दे रखी है। जो आपकी सैलरी है वो दोस्तों स्टार्टिंग में आपको 44,900 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए रहने वाली है। मतलब मैंने आपको बता दिया था ये जो वैकेंसी वो लैब टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। पोस्ट कोड आपको ध्यान में रखना है क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस है ना वो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर पोस्ट कोड देखा है ASAB01 पैथोलॉजी, ठीक है। टोटल 6 पोस्ट आपके रहने वाले हैं, जिनमें अपन बात करें जनरल में 3 पोस्ट है, OBC में 1 पोस्ट है, SC में 1 है, AWS में 1 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, यदि आपने BSc MLT करके BMLT आपने करके और आपके 60% बन रखे हैं तो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आपने नॉर्मल BSc कर रखी है, ठीक है, और आपने 2 साल या DMLT कर रखी है और आपके 60% बन रहे हैं तो भी आप यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपने नॉर्मल BSc कर रखी है प्लस आपने DMLT कर रखी है तो भी आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आपने BMLT कर रखी है और आपकी उसमें 7% बन रही है तो भी आप यहाँ फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं जो एज लिमिट है 18 ईयर यहाँ पर दे रखी है, मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 30 ईयर दे रखी है। सैलरी के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग में आपको 35,400 रुपये पर मंथ आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी रेडियोग्राफर के लिए रहने वाली है, ठीक है। पोस्ट कोड दे रखा है ASAP02, टोटल 1 पोस्ट है, OBC में वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। इसके अंदर अपन क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों यदि आपने BRT कर रखी है और आपके 60% बन रखी है BRT के अंदर तो अभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आपने BSc कर रखी है नॉर्मल और उसमें आपकी 50% बन रखी है और आपने रेडियोग्राफी में डिप्लोमा कर रखा है 1 ईयर का तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब दोस्तों यदि आपने रेडियोग्राफी में बैचलर डिग्री करके, मतलब आपने BRT करके और आपकी 60% बन रखी है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आपने BSc कर रखी है, ठीक है, नॉर्मल और उसमें आपकी 50% बन रखी है प्लस आपने 1 ईयर का डिप्लोमा भी कर लिया, मतलब DRT कर ली तो भी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं तो मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर दे रखी है और मैक्सिमम 30 ईयर यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। सैलरी के बारे में अपन बात करें तो 35,400 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट के लिए रहने वाली है। पोस्ट कोड ये दे रखा है ASAB03, ठीक है। टोटल 4 पोस्ट है, जिनमें 2 पोस्ट आपकी OBC में, 2 पोस्ट आपकी AWS में रहने वाली है, ठीक है। इसके अंदर अपन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, यदि आपने न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी के अंदर बैचलर डिग्री करके और आपकी 60% बन रखी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आपने नॉर्मल BSc करके, या फिर आपने दोस्तों नॉर्मल BSc कर रखी है जिनमें आपके 60% बन रखी है प्लस आपने DMRIT कर रखी है, मतलब मेडिकल रेडियो आइसोटोप के अंदर आपने
डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आपने DNMT कर रखी है या फिर आपने DFIT कर रखी है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपकी 50% बननी चाहिए, ठीक है। दोबारा से बोल रहा हूँ, यदि आपने न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी के अंदर बैचलर डिग्री कर रखी है उसमें आपके 60% बननी चाहिए। या फिर दोस्तों आपने नॉर्मल BSc कर रखी है जिनमें आपके 60% बन रखी है, प्लस दोस्तों आपने DMRIT करके या फिर आपने DNMT करके या फिर आपने DFIT करके और उसमें आपकी 50% बन रखी है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर अपन एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18 ईयर मिनिमम एज लिमिट दे रखी है और मैक्सिमम यहाँ पर 30 ईयर दे रखी है, जो आपकी सैलरी हो 35,400 रुपये यहाँ पर रहने वाली है पर मंथ। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी फार्मासिस्ट के लिए रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 14 पोस्ट रहने वाली है। पोस्ट कोड यहाँ पर दे रखा है PHM01, ठीक है। इसमें अपन बात करें 14 पोस्टों के अंदर तो जनरल में यहाँ पर 8 पोस्ट है, OBC में 5 है, SC में यहाँ पर 1 पोस्ट रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात कर लें दोस्तों, जो 12th वो पास होनी चाहिए एंड फार्मेसी में आपने डिप्लोमा कर रखा है 2 साल का तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। प्लस दोस्तों यहाँ पर 3 महीने तक आपके पास में ट्रेनिंग होनी चाहिए फार्मेसी के अंदर और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फार्मासिस्ट के अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जिन साथियों ने डी फार्मेसी कर की है और आपके पास में ट्रेनिंग करके आपने फार्मेसी में 3 महीने की और रजिस्ट्रेशन है आपके पास में फार्मासिस्ट के अंदर तो आप यहाँ पर अप्लाई कर देना है। एज लिमिट के बारे में बात करें तो मिनिमम आपने 18 ईयर दे रखी है, मैक्सिमम 25 ईयर यहाँ पर दे रखी है। सैलरी के बारे में बात करें तो 29,200 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन के लिए रहने वाले हैं। टोटल यहाँ पर 3 पोस्ट आपके रहने वाली है, ठीक है। इसके अंदर अपन बात करें तो जनरल के अंदर यहाँ पर 2 पोस्ट है, OBC में 1 पोस्ट आपके यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। पोस्ट कोड यहाँ पर दे रखा है TNB01, ठीक है। को यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं, टोटल यहाँ पर 1 पोस्ट रहने वाले हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, जो 12th है वो साइंस में पास होनी चाहिए एंड दोस्तों यदि आपने प्लास्टर या फिर ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन के अंदर 1 ईयर का आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी ECG टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। पोस्ट कोड दे रखा है TNB02, टोटल यहाँ पर 1 पोस्ट रहने वाले हैं। तो क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, 60% आपकी बननी चाहिए, मतलब जो 12th है उसमें आप 60% आपके नंबर आने चाहिए, 60% आपके बननी चाहिए एंड आपने ECG में डिप्लोमा करके 1 ईयर का तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जिनों साथियों ने 2 ईयर का डिप्लोमा करके ECG में वो साथी भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, आपको यहाँ पर किसी प्रकार कोई स्प्रिंग की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपने TNB03 दे रखे पोस्ट कोड। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर कार्डियोसोनोग्राफी टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 1 पोस्ट आपकी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, 60% आपकी बननी चाहिए 12th के अंदर और जो 12th वो साइंस में पास से होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, यदि आपने कार्डियोसोनोग्राफी या फिर इको टेक्नीशियन के अंदर 1 ईयर का डिप्लोमा कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जिन साथियों ने 2 ईयर का डिप्लोमा कर रखा है वो साथी भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, आपको यहाँ पर किसी प्रकार कोई एक्सपेंस की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो जिन साथियों के पास में क्वालिफिकेशन कम्प्लीट है वो साथी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी के बारे में अपन बात कर लेते हैं, 21,700 रुपये पर मंथ आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज यहाँ पर 18 दे रखी है, मैक्सिमम यहाँ 25 ईयर आपकी दे रखी है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो यहाँ पर दे रखा है दोस्तों। ये जो पोस्ट कोड है आप अपने हिसाब से देख लेना, ये यहाँ पर जो पोस्ट कोड है उसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस दे रखा है, इस प्रकार का रहने वाला है, ठीक है। इसके अंदर आपका इंटरव्यू होने वाला है सबसे पहले, इसके बाद में जो भी मेथड ऑफ स्कैनिंग टेस्ट उसके अंदर 75 नंबर MCQ पूछे जाएंगे और सही करने पर 3 नंबर मिलेंगे, दिन गलत करने पर 1 नंबर आपको काट लिया जाएगा। 90 मिनट का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। जिनमें अपन बात करें जो भी साथी मतलब सेलेक्टेड होंगे उनके पास में इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, ठीक है। उसके बाद में ये सेकेंड के अंदर ये वाले फेज दे रखे हैं, ठीक है। इसके अंदर पहले आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, CBT होने वाला है, ठीक है। जिनमें मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 20 आएंगे, जनरल अवेयरनेस से यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर आपका एडवांस टेस्ट होने वाला है, ये आपका एडवांस टेस्ट रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट यहाँ पर होने वाला है, तो ये आपकी सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। देख लेना, इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो ये जो पोस्ट कोड दे रखे हैं उनके अंदर 300 रुपये है और इस वाले पोस्ट कोड के अंदर 200 रुपये हैं और इस वाले में 100 रुपये रहने वाले, मतलब ग्रुप ए के अंदर 300 है, ग्रुप बी में 200 है और ग्रुप सी के अंदर 100 रुपये फॉर्म फीस यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है।
इसके बाद में अपन एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम सेंटर क्या यहाँ पर रहने वाला है? तो दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट यहाँ पर दे रखी है। तो अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, कोटा, लखनऊ, मदुरई, मुंबई, पटना, रायपुर, रांची, यहाँ पर आपका एग्ज़ाम का सेंटर रहने वाला है। तो राजस्थान वाले जो साथी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपके जयपुर और कोटा के अंदर एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है, ठीक है? तो आराम से आप इसके अंदर, यदि आपके पास में क्वालिफिकेशन कंप्लीट है तो फॉर्म अप्लाई कर देना है, ठीक है? इसके बाद मैं वापस से बोल रहा हूँ, ये फॉर्म का लिंक ये दे रखा है, ठीक है? फॉर्म अभी स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 30 जून रहने वाली है। तो जो भी साथी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो 30 जून से पहले पहले फॉर्म अप्लाई कर देना है। दोस्तों इसकी जो PDF है वही आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जो लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है? दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वैकेंसी के साथ। थैंक यू दोस्तों।